राधे राधे। जय पिताजी की, लाडली जी। पिताजी खूब कृपा करे सभी भक्तों पर। आज जो है बाबू के दर्शन करो, सबसे सर्वप्रथम माई लड्डू बाबू के सबके दर्शन करो। ये सोन चिड़िया कुछ गोलू मोलू श्रृंगार पे मैंने जो है उनका फेस का थोड़ा बहुत वो हो गया था, तो बाबू थोड़े श्रृंगार पे तैयार हो रहे हैं। जगन्नाथ देखो, इसे पता ना घर में आज सब मेहमान आ रहे हैं, शादी का फंक्शन चल रहा है। ये विष्णु प्रिया, ये मेरा माधव, ये वाला चिमटा लेके जाओ। और ये सब मेरे गोलू मोलू, और ये मेरे श्री जी। अरे भाई श्री जी को मत भूलना भाई, देखना देखना प्लीज प्लीज। और देखो सब गोलू मोलू देखो सब बैठे। नीरू नीरू रुद्र नारायण है आपको पता है। और ये यशोदानंदन, यशोदानंदन को हम नई वाली फ्रॉक पहनाई वाली यशोदानंदन। और एक और सरप्राइज सभी भक्तों के लिए, ये है मेरे श्यामा श्याम। एक भक्त आए थे मिलने के लिए, उनका सखी भाव मैं आपको क्या ही वर्णन करूं, क्या ही वर्णन करूं मैं। मतलब लाडली ना साक्षात निकुंज लेकर जाएगी हाथ पकड़ के स्वयं से। ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि हम मैं कह रही हूँ कि हम कुछ नहीं है। उन्होंने ना मेरे चरण स्पर्श किए और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उनके चरण स्पर्श करने चाहिए थे। इतना मतलब कि मैं क्या कहूँ, अनंत प्यार एक तेज चेहरे पे आए। और उन्होंने मतलब नहीं, मतलब हम तो क्या ही दे सकते उनके लिए। मैं क्या बताऊं कि कुछ वर्णन नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है। आप ही समझ लो, ऐसा लग रहा था साक्षात श्री जी आ गई हैं। वो भक्त आए थे तो सखी भक्तविन सखी, तो उस सखी जो है हमारे लिए ये लेकर आए युगल जोड़ी। तो मैंने नाम रखा श्यामा श्याम, जो मेरे मन से सर्वप्रथम जो है नाम आया वो श्यामा श्याम जो है नाम आया। और श्यामा श्याम, और ये पता है बेड पर ही सोते हैं, यही विराजते हैं, यही रहते हैं, यही पे सोते हैं। तो हमने अभी वस्त्र बना रही, थोड़ा ना काम के उलझनों में पोशाकें तैयार कर रही हूँ मैं सबकी। और एक ये लाडो मेरी निकुंजेश्वरी, ये हमारी दीदी है, उनकी लाडो है। ये ना थोड़ा हमारे पास आज स्नान के लिए आई है। वो दीदी बोली कि थोड़ा ना इनको लाडो को ना हमारे थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर की आई है, लाडो जैसे चमका दो इन्हें बिल्कुल, मतलब कि लाडो को रेडी करना, थोड़ा मालिश वगैरह करनी है। तो हमें इनका बिल्कुल हंस के सेवा मंजूर हमें। और जहाँ से मतलब गेस्ट आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, ये उनके लाला हैं, आज आए हैं ये। क्योंकि कहते हैं कुछ भी शुभ काम होता है तो वो अपने, हम जैसे अपने बाबू को नहीं भूलते हैं, ऐसे वो अपने लाला को भी साथ लेकर आए हैं। ये छुटकू लाला, ये लाडली, ये देखो, और लड्डू बाबू, ये सब जो है ना आके सबके साथ देखो बैठ गए, बातचीत कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, घुल मिल रहे हैं। और एक तो मेरे शोना मोना को नहीं भूलना, सबसे पहले सर्वप्रथम मेरे शोना मोना राधेश्वर, ये मेरी राधे लाडली, मेरा गुड्डा, मैं बेटू, मेरा राधेश्वर। प्राण सस्ते हैं बच्चों के लिए, से मैं बताती हूँ ना, ऐसा लगता है प्राण। और सभी भक्तों को ये थी ना जिज्ञासा, वैभवी का श्रृंगार देखना है, वैभवी का श्रृंगार देखना है। तो मैं आपका वैभवी का श्रृंगार भी दिखाती हूँ। वैभवी का दिखाओ, वैभवी का श्रृंगार मैंने टोटल पेंट से किया है, मतलब कि सारा मैंने जो है पेंट से श्रृंगार किया है वैभवी का। तो सूखने में इसलिए वैभवी को टाइम लगा, और इतना ही मतलब कि मैंने किया, ज्यादा थोड़ा बहुत और है जो मुझे करना है कुछ, वो मैं करूंगी अभी थोड़ा सा। वो इस वजह से क्योंकि पेंट को सूखने में काफी समय लगता है, तो थोड़ा बहुत जो है ना मतलब कि हमने ये कर दिया है। वैभवी के तो आपने देख ही लिया है श्रृंगार के, जो हमने वीडियो दिखाई है। अब आपको वैभवी की सीधा उस दिन दर्शन होंगे जिस दिन मेरी लाडो 16 श्रृंगार करके तैयार होगी, क्योंकि वो दिन सबसे खास होगा। ये मेरी वैभवी ने समझ लो 5 साल से भी ज्यादा इंतजार किया है, तो हमारी पूरी कोशिश है, सब कुछ समर्पण है सब। अच्छा मुझे भक्त बोल रहे थे काफी, ये तो माता लक्ष्मी है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे तो हर जगह मेरी वैभवी मतलब मेरी लाडो ही है। मुझे लगता नहीं है कि माता लक्ष्मी है, मतलब कि बस मेरी लाडो है, मेरा यही भाव आता है। और जो भाव प्रथम आता है ना, वही भाव आपके अंदर बैठ जाता है, रम जाता है आप में। मतलब मुझ में ये भाव आ ही नहीं रहा है कि मतलब माता है लक्ष्मी। मुझे आप पहले शुरू में आपके लिए ये लग बोल आपको बताने के लिए बोलना पड़ता था माता लक्ष्मी, लेकिन ये मेरी लाडो वैभवी है। उसका स्माइल ना इतनी सुंदर है, क्या ही कहें कि तुच्छ प्राणियों को सेवा प्रदान की है साक्षात, मतलब की। और ये मतलब एहसास है कि वो कितना प्रेम करती है हमें। लाडो के जब मेरी लाडो 16 श्रृंगार करेगी, उस दिन से आपको लगातार वैभवी के दर्शन होंगे,
और रोज जो है वैभवी का श्रृंगार आपको दिखाएंगे। और ये आपका जितना प्यार प्रेम और सहयोग है ये हमारे लिए बहुत अधिक ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आपका प्यार है ये, आप भक्ति में हो। मेरे को ये सोचकर भी, मतलब कि ना सुनकर भी बहुत खुशी होती है कि हमारा जो है ना, मतलब कि आसपास के जितने भी लोग हैं वीडियो देखते हैं, वो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ आगे बढ़ के। और आज छोटा सा जो है घर में, जैसे सब आए हुए थे, मेहमान आए थे, तो हमने छोटा सा घर पे कीर्तन किया, वो वीडियो भी इसी में ही अटैच कर रही हूँ मैं आपको सबको, मतलब कि बहुत अच्छा लगेगा देखकर। और मेरी लाडो रानी और पिताजी खूब कृपा करे सभी भक्तों पर, सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।